हेलो गाइस, नमस्कार गाइस। हमने कल अपने जो प्रीवियस डे के वीडियो में बात की थी, देखो ये एक रिट्रेसमेंट हो गया और ये रिट्रेसमेंट हो गया, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस मैंने बोला था, अगर ये कल के डे के लो को तोड़ता है और आज कहाँ ओपन हुआ, डे के लो के नीचे ओपन हुआ, ठीक है, तो हम आराम से ये डे का लो टूट गया तो कंटिन्यू रह सकती है। अभी देखो 2 दिन कंटिन्यू एक अच्छी खासी बेस रैली देखने को मिली है अपने को। तो गई जब हम अब कल का जो रहने वाला है हमारा व्यू, वो उसमें मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दे दिया है, ठीक है। देखो अगर कल मार्केट ये लेवल तोड़ता है तो फिर भी अपने को एक कंटिन्यूस बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छा खासा अपने को बुलिश रैली मिली थी। देखो कितना कंटिन्यूस पूरा बुलिश रैली मिली थी, अभी 2 कैंडल में इसने रिट्रेसमेंट लिया है, अभी रिट्रेसमेंट कंटिन्यू भी रह सकता है तो, या फिर कल के दिन इस जोन में मार्केट होल्ड भी कर सकता है। ये जोन में मार्केट होल्ड कर सकता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे खोलता है और उसके बाद में ये तोड़ता है ना, तो हमारी रिट्रेसमेंट कंटिन्यूस रह सकता है, ठीक है। तो गाइज ये हमारा निफ्टी का रहने वाला है। और अगर अपसाइड में जाता है तो अपसाइड में देखो यहाँ अपन देख सकते हैं, लेकिन अपसाइड का व्यू अब भी कम है, क्योंकि लगातार इतनी बड़ी रेड कैंडल देने के बाद में हम अब रैली की एक नई उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। या तो मार्केट को होल्ड करना चाहिए यहाँ पे और उसके बाद में ऊपर जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके फिर ऊपर जाए तो हाँ अपन सोच सकते हैं, जैसे यहाँ पे मार्केट ने 1-2 दिन इस जोन में होल्ड किया, उसके बाद में वापस ऊपर की साइड मार्केट निकलता है और फिर ये स्विंग्स को तोड़ता है अगर, तो अपन देख सकते हैं कि हाँ मार्केट कंटिन्यूस में बुलिश कंटिन्यूस में जा रहा है। ओके गाइस, ये हमारा निफ्टी का रहने वाला है। और बैंक निफ्टी में भी देखो सेम सिनेरियो है, मार्केट ने डाउन साइड खुला, डिप डाउन खुला और उसके बाद में डायरेक्ट फॉल देखने को मिला अपने को, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ तक आके फिर मार्केट ने एक पॉज लिया है, इस जोन में मार्केट अटैक किया है। अगर कल ये जोन से मार्केट डाउन साइड या अप साइड इस जोन को तोड़ता है तो अपने को एक नॉर्मल 100 से 200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये बॉक्स आप बॉक्स बना लो, इसको इनको डिलीट कर देते हैं और अपने एक बॉक्स बना देते हैं। अभी देखो ये हमारा बॉक्स बन गया यहाँ पे, अभी इस बॉक्स के अंदर ही आज मार्केट खुलने के बाद में थोड़ा सा डाउन साइड आके और फिर मार्केट में अटक गया। तो गाइस ये अब कल इस मार्केट को ब्रेकडाउन या ब्रेकअप देता है तो अपन एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में रिस्क ले सकते हैं। ओके गाइस, बट जब तक मार्केट का लग रहा है अभी रिट्रेसमेंट कंटिन्यू रह सकती है। कल भी मैंने ये बताया था, अगर ये लेवल टूटता है तो रिट्रेसमेंट कंटिन्यू रह सकती है। ये देखो एक अच्छी खासी रेड कैंडल देखने को मिल रही है अपने को। अब बुलिश में क्या है, देखो ये गया है नॉर्मल, उसके बाद में देखो कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना रहा है। तो बस यही था हमारा आज का व्यू। अब कल देखते हैं मार्केट अपना कहाँ गैप डाउन या गैप अप खुलता है,
उस हिसाब से हमारा ट्रेड प्लान होगा। ओके गाइस, तो गाइस ठीक है, फिर कल मिलते हैं कल के नए वीडियो में। ओके, धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।